स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। भक्तों, अगर आप सभी अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दिखा रहे हैं हूबहू शिरडी धाम करगी रोड कोटा से साईं बाबा के दरबार से, और आज हम बाबा का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसके जाप से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी जो आपको बहुत समय से घेरी हुई है, जो जाने का नाम नहीं ले रही है, वह दूर हो जाएगी। साथ ही आपके ऐसे काम जो बहुत समय से बन नहीं रहे हैं और आप बहुत प्रयास कर चुके हैं और थक गए हैं, तो आप एक बार ट्राई जरूर करें इस मंत्र को, क्योंकि कहते हैं इस मंत्र के प्रभाव से ऐसी शक्ति जागृत होती है और वह शक्ति आपके सारे काम को पूर्ण कराती है। और आप देख सकते हैं कि हम स्वयं बाबा के दरबार में हैं, अभी बचे हुए हैं सुबह के 6, और बाबा का बहुत ही प्यारा दरबार है, ये है साईं का दरबार, और साईंनाथ महाराज स्वयं यहाँ पर विराजमान है, और यहीं पर बाबा की अखंड धुनी अखंड ज्योत जल रही है। और देख सकते हैं कि बाबा के दरबार में टाइल्स फाल सीलिंग और लाइट का काम होना है, तो देर किस बात की, आगे आए और इस पुनीत कार्य में अपनी श्रद्धा अनुसार दान जरूर करें। साथ ही हम आपको बताएंगे वो मंत्र के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आप दर्शन कर लीजिए बाबा के दरबार का और बाबा के समाधि मंदिर जो चमक रही है, सूर्योदय हो चुका है और इसके ऊपर बनना है 31 फीट का गुंबद जो बाबा स्वयं कराएंगे भक्तों के सहयोग से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भक्त की आस्था साईं के पास आए और हर भक्त की मनोकामना साईं राम पूरी करे। कहते हैं ना कि बन जाते हैं बिगड़े काम, बन जाते हैं बिगड़े काम, दिल से बोलो क्या दिल से बोलो, जय 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 साईं राम। साथ ही चालू हो चुका है ठंड में गरीब जरूरतमंद बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को बाबा के नाम से, बाबा के दरबार से ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े व वस्त्रों का दान। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने परिवारजनों के नाम से इस दरबार में जुड़े सभी भक्तों के सौजन्य से अगर आप भी इस सेवा में जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी बच्चों के लिए, गरीबों के लिए वस्त्रों का दान जरूर करें। साथ ही अगर आप स्वयं से वस्त्र भेजना चाहते हैं, तो आप श्री साईं बाबा सेवा आश्रम के एड्रेस पर इसे भेज सकते हैं, और यहाँ और आसपास हम जाकर उन गरीबों को, ज़रूरतमंदों को यह वस्त्रों का दान करते हैं। साथ ही गुरुवार को चलता है बाबा का भोजन, जिसमें आप भी अपने परिवारों के नाम से भोजन बच्चों को करा सकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा नीम वृक्ष गुरु स्थान का, देख सकते हैं बाबा विराजमान है और बाबा के अंदर में क्या है, क्योंकि अभी हवन हुआ है और ये देख सकते हैं लुभान की खुशबू से गुरु के दरबार ओतप्रोत हो चुका है, और अब आप लोगों को नज़र आ गया होगा बाबा का छवि। तो एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम साईं राम जरूर बोले, ताकि सभी के बिगड़े काम बाबा बना दे और सब भक्तों के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। तो चलिए, देर किस बात की, सब्र कीजिए, आप लोगों को वह मंत्र मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं ना साईंनाथ महाराज के, क्योंकि बाबा के दर्शन करने से भक्तों के बड़े से बड़े काम जो नहीं बन रहे होते हैं वह पूर्ण होते हैं। ये है साईं की द्वारिका माई। बाबा ने अपना पूरा जीवन द्वारिका माई में गरीबों की सेवा में बिताया था, और यहीं पर शिरडी में बाबा भक्तों को इसी चूल्हा पर बैठकर खुद बाबा बनाते थे, अपने हाथों से खिचड़ी प्रसाद और भक्तों को बैठाकर खिलाते थे। यह सेवा बाबा के आदर्शों पर यहाँ भी जारी है, तो आप भी अपने परिवारजनों के जन्मदिवस के पृष्ठ पर या फिर आपके घर पे कोई भी शुभ कार्य हो रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसमें बाबा को भी जोड़ना, तो आप बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए यह सेवा प्रेषित कर सकते हैं। तो चलिए दर्शन कर लीजिए, आगे बाबा गद्दी पे विराजमान है, और एक बार सच्ची श्रद्धा से क्या बोलना है, ओम साईं राम। ये बैठे हुए हैं साईं बाबा, आपकी सब मनोकामना बाबा पूरी करेंगे, बाबा की अखंड ज्योत जल रही है। अगर आप चाहते हैं कि अपने परिवारजनों के नाम से एक माह की लकड़ी, एक माह का तेल बाबा के दरबार में प्रेषित करना, तो आप प्रेषित कर सकते हैं। बाबा की चक्की जिससे बाबा ने गेहूं पीसकर शिरडी से हैजा की महामारी को दूर भगाया था, और ये है बाबा के वह बर्तन। और अब दर्शन कीजिए बाबा की वह अखंड धुनी की, जो कि 1972 से निरंतर प्रज्वलित है, और कहते हैं जो भक्त अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करने के लिए बाबा के दरबार में एक माह की लकड़ी अपने परिवार के नाम से जलवाता है, बाबा उसके सारे संकट कष्ट इस धुनी में जलाकर खत्म कर देते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं लेडी बाग उद्यान।
हमारे पीछे में है लेडी बाग उद्यान, आप देख सकती हैं वहाँ पर है शनि सिंगनापुर की तर्ज पर शनि जी विराजित हैं। ये लेडी बाग उद्यान भक्तों की समाधियाँ हैं और यहाँ पर विराजित है संकट मोचन हनुमान मंदिर। और ये है बाबा की चावड़ी जो कि बरसात में टूट चुकी है और इसका निर्माण कार्य होना जरूरी है। तो अब आप लोगों से बस यही आग्रह, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा के दरबार में सब निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो। अब हम आपको बता देते हैं बाबा का वह बहुत ही प्यारा सा गुप्त मंत्र जिसके जाप से आपके बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे, बशर्ते आपको इसे बड़ी श्रद्धा के साथ शबूरी के साथ बाबा को सुनाना है। और हो सके तो अगर आप प्रातःकाल जल्दी उठ जाते हैं, कहते हैं सुबह 3 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, अगर इस समय आप इस मंत्र का जाप बाबा के समक्ष करते हैं तो बाबा आपकी हर परेशानी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपको करना क्या है, प्रातःकाल स्नान करने के बाद एक स्वच्छ आसन बिछा लें और बाबा के समक्ष बैठकर एक माला ले लें और 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चंदन की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष या चंदन की ओरिजिनल माला नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं, आप वहां से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए बाबा का वह खास मंत्र आप लोगों को मैं बता देता हूं। मंत्र भक्तों यह है, ओम नमो श्री साई प्रभु नमः, 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 ओम नमो श्री साई प्रभु नमः। भक्तों इस मंत्र का आप 21, 51, 11, 108 जितनी आपकी श्रद्धा जितनी आपकी भक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार आप इसका जाप अगर करते हैं तो साईनाथ महाराज आपके संकट आपके कष्ट को खत्म कर देंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएंगे और सब परेशानियों को खत्म कर देंगे। तो मंत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें, मंत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ ही जपना है। कई लोग ऐसा होते हैं कि मंत्र का जाप करते हैं और बोलते हैं हमें कुछ असर नहीं हुआ। भक्तों कभी भी किसी भी मंत्र का तुरंत असर नहीं होता है, मंत्र का असर होता है कभी कभी क्या होता है देर से होता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है। यह आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप कैसी पूजा कर रहे हैं, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं और किस श्रद्धा के साथ कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से अगर आप बाबा की पूजा बाबा की आराधना करते हैं या किसी भी भगवान की आराधना पूजा करते हैं तो प्रभु हर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और हर मंत्र चमत्कार करते हैं। तो इस मंत्र को हमने आपको बताया जो मंत्र है ओम नमो श्री साई प्रभु नमः। और चाहे तो आप इस मंत्र को बड़ी श्रद्धा के साथ गा भी सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को सुना देता हूँ उस मंत्र को गा के, जो मैंने स्वयं बाबा के समक्ष बाबा की श्रद्धा से और बाबा के आशीर्वाद से बाबा को सुनाया तो बाबा को तो पसंद आया, तो हो सकता है आपको भी पसंद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन भक्तों अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि सर्वप्रथम आपको आपके चैनल के वीडियो प्राप्त हो जाए। और भक्तों औरों का भी भला हो इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, बाबा के इस मंत्र को हम आप लोगों के समक्ष सुनाते हैं बाबा की द्वारका महिमा। ओम नमो श्री साई प्रभु नमः, 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 साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु, साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु, ओम नमो श्री साई प्रभु नमः, ओम नमो श्री साई प्रभु नमः, साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु, साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु। ओ जब जब कष्टों ने हमें घेरा मैंने नाम लिया है तेरा, साईनाथ रे ओ साईनाथ रे, ओ मेरा साई है रखवाला शिरडी में रहने वाला, साईनाथ रे ओ साईनाथ रे, साई प्रभु मेरे साई प्रभु, साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु, ओम नमो श्री साई।
साई प्रभु नमः, ओम नमो श्री साई प्रभु नमः, नमो नमो श्री साई प्रभु नमः, ओम नमो श्री साई प्रभु नमः, साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु, साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु, साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु, साई प्रभु ओ मेरे साई प्रभु। कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे और सच्ची सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में ओम साई राम बोले। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साई बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ओम साई राम।